दोस्तों सबसे पहले है केंद्र सरकार ने उड़ीसा विकास परियोजना के लिए एशियाई बैंक के साथ 85 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो इसमें बताया कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने उड़ीसा कौशल विकास परियोजना के तहत जो एशियाई विकास बैंक है उससे 85 मिलियन डॉलर का ऋण पे यानी कि लोन पे लोन का जो एमओयू है उस पे हस्ताक्षर किए हैं, एमओयू साइन किया है। इस परियोजना का उद्देश्य उड़ीसा में कौशल विकास का बढ़ावा देना तथा विश्व कौशल केंद्र की स्थापना करना है। इस विश्व कौशल केंद्र की स्थापना उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में की जाएगी। तो ये जो परियोजना है, कौन सी परियोजना? उड़ीसा कौशल विकास परियोजना। ये जो पूरी परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि उड़ीसा में कौशल विकास को बढ़ावा देना और विश्व कौशल केंद्र की स्थापना करना। और ये जो विश्व कौशल केंद्र है, ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? इसकी स्थापना की जाएगी उड़ीसा की राजधानी यानी कि जो कैपिटल है उड़ीसा की, भुवनेश्वर, वहाँ पे इसकी जो स्थापना है वो की जाएगी। तो इसमें क्या बताया मैंने आपको कि हाल ही में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने उड़ीसा कौशल विकास परियोजना के लिए 85 मिलियन डॉलर से के लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये लोन किससे सेंक्शन हुआ है? एशियाई विकास बैंक से। ठीक है, और ये क्यों किया गया है? ये जो कौशल विकास परियोजना है इस परियोजना का मेन उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उड़ीसा में कौशल का विकास करना और उसी के साथ विश्व कौशल केंद्र की स्थापना करना। ये विश्व कौशल केंद्र कहाँ बनेगा? ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसकी स्थापना की जाएगी। आगे है कतर ने लिया ओपेक की सदस्यता छोड़ने का निर्णय। जी हाँ दोस्तों, जो कतर है उसने जो हमारे ओपेक जो एक ग्रुप है, ठीक है, ओपेक ओ पी ई सी जो ओपेक हमारा जो ग्रुप है ये, ठीक है, कंट्रीज का, उसके उसकी जो सदस्यता थी उसको छोड़ने का निर्णय लिया है। कतर ने हाल ही में ओपेक समूह की सदस्यता छोड़ने के लिए का लिया निर्णय। कतर का यह निर्णय जनवरी 2019 से लागू हो जाएगा। कतर ने अब प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर बल देने का निर्णय लिया है। इस प्रकार कतर ओपेक की सदस्यता छोड़ने वाला पहला देश बन जाएगा। तो जो कतर है उसने हाल ही में ये निर्णय लिया है कि जो ओपेक देश के जो सदस्यता है उसको वो छोड़ देगा। वो अब प्राकृतिक गैस का उत्पादन पर बल देने का उसने निर्णय लिया है कि प्राकृतिक गैस की उत्पादन वो करेगा अपने उसमें, और जो ओपेक जो ग्रुप है उसको छोड़ने वाला वो पहला देश बन जाएगा। कतर 1961 से ओपेक का सदस्य रहा। खाड़ी राजनीति में उथल पुथल के कारण कतर ने ये निर्णय लिया है। पिछले कुछ समय में कतर की सऊदी अरब जैसे अन्य खाड़ी देशों ने के बहिष्कार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो इसने क्यों लिया है कतर ने ये फैसला? ठीक है, ये इस 1961 से जो कतर है वो इसका सदस्य था ओपेक का, और जो उथल पुथल हुई है इसमें ये जो सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश हैं उन्होंने इसको जो कतर है उसका बहिष्कार करा, ये सब किया, तो इनके चलते उसने ये निर्णय लिया कि जो ओपेक कि जो सदस्यता है उसको वो छोड़ देगा। आगे है क्रोएशिया के लुका मोड्रिच ने जीता बैलन डी और 2018। ठीक है, क्रोएशिया के जो लुका मोड्रिच हैं उन्होंने ये बैलन डी जो खिताब है फुटबॉल का ये इन्होंने जीता। क्रोएशिया के मिडफील्डर लुका मोड्रिच ने फुटबॉल के प्रतिष्ठित सम्मान बैलन डी और जीता। ठीक है, ये किसके लिए दिया जाता है? फुटबॉल के लिए दिया जाता है। फुटबॉल का एक प्रतिष्ठित सम्मान है बैलन डी और, ठीक है, वो इन्होंने किसने जीता? क्रोएशिया के लुका मोड्रिच ने। इसके साथ ही उन्होंने लगभग एक दशक तक चले लियोने मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दबदबे को समाप्त किया। ठीक है, जैसे हम दोनों को बहुत अच्छे से मतलब इनों का नाम हमने बहुत सुना है फुटबॉल के जगत में कि लियोनेल मेसी और क्रिस्टियन रोनाल्डो। ठीक है, रोनाल्डो और मेसी का नाम हमने बहुत सुना है, लेकिन अब जो नए आए हैं उनका नाम है लुका मोड्रिच और उन्होंने बैलन डी और 2018 जीता। ठीक है, तो लगभग एक दशक यानी कि 10 साल से जो हम मेसी और रोनाल्डो के नाम सुने जा रहे थे
उनके दबदबे को अब उन्होंने समाप्त कर दिया है। वर्ष 2008 से मेसी और रोनाल्डो ही इस पुरस्कार को जीतते आए हैं, यानी कि पिछले 10 साल से 2008 से मेसी और रोनाल्डो ही इस पुरस्कार को जीत रहे हैं, और इस बार किसने जीता? क्रोएशिया के लुका मॉड्रिच ने। बैलन डी ऑर की दौड़ में क्रिस्टियानो रोनाल्डो दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तीसरे स्थान पर फ्रांस के एंटवान ग्रिजमन रहे। चौथे स्थान पर फ्रांस का युवा फुटबॉलर किलियन एम्बापे रहे। पांचवें स्थान पर अर्जेंटीना के लियानो मेसी रहे, और छठे स्थान पर मिस और लिवरपूल के मोहम्मद सलाह रहे, जबकि सातवें स्थान पर राफेल वॉरन रहे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट अब कौन चले गए? क्रोएशिया के लुका मॉड्रिच। उसी के साथ अगर हम रोनाल्डो का देखें तो रोनाल्डो अब दूसरे स्थान पर है, और मेसी काफ़ी नीचे पायदान पे चले गए हैं। मैंने आपको बताया कि जो मेसी है वो पांचवें स्थान पर चले गए हैं। ठीक है, आगे है, नई दिल्ली में किया गया पहले भारत आसियान इनोटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन। ठीक है, तो नई दिल्ली में ये जो पहला भारत एशियाई इनोटेक शिखर सम्मेलन किया गया, वो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया ये पहला भारत एशियाई इनोटेक शिखर सम्मेलन था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था ये भी हम देख लेते हैं। तो इसके उद्देश्य थे कि तकनीक प्रतिबंध प्रबंधक और योजना में वैश्विक ट्रेंड पर विचार विमर्श करना, उसी के साथ नीतिगत सुधार और नियामक माहौल पर चर्चा करना, उद्योग अकेडमिया सरकार के बीच साझेदारी के लिए मार्ग प्रदर्शक, अनुसंधान के शीघ्र वाणिज्यीकरण तथा बाजार मूल्यांक के साथ के लिए क्षमता निर्माण, वित्त योजना और लीडरशिप में बेस्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना, और स्थानीय एवं वैश्विक अनुसंधान व विकास समुदाय को आपस में जोड़ना। ये सारा इसका उद्देश्य है किसके? भारत एशियाई इनोटेक शिखर सम्मेलन के। और ये कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है, साइरिल रामफोसा होंगे गणतंत्र दिवस 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य अतिथि। दोस्तों जैसा आपको पता है कि हर साल मुख्य अतिथि, अंतर्राष्ट्रीय मुख्य अतिथि आते हैं हमारे गणतंत्र दिवस पे। ठीक है, तो इस बार साइरिल रामफोसा होंगे इस बार हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, इंटरनेशनल चीफ गेस्ट जो हमारे गणतंत्र दिवस पे आएंगे। वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामफोसा भारत के गणतंत्र दिवस 2019 समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। साइरिल रामफोसा भारत के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले दूसरे दक्षिणी अफ्रीकी नेता होंगे। इससे पहले 1995 में नेल्सन मंडेला भारत की गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं कि गणतंत्र दिवस पे कौन हमारा चीफ गेस्ट आने वाले टाइम, आने वाले जो ईयर है उसमें कौन होगा, या फिर पिछले साल कौन था, या उससे पिछले साल, पिछले दो तीन साल का हमेशा पूछा जाता है कई एग्जाम्स में। तो इस बार 2019 में जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्य अतिथि होंगे हमारे, वो होंगे साइरिल रामफोसा। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स की हाल ही में जो करंट अफेयर्स आए हैं उनमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF का सर्वोच्च सम्मान ब्लू क्रॉस जीता? ठीक है, ISSF का जो सर्वोच्च सम्मान है ब्लू क्रॉस, वो किस निशानेबाज ने जीता था? तो वो हमारे अभिनव बिंद्रा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड दिवस 2018 की थीम क्या है? तो जो अभी विश्व एड दिवस था जो अभी 1 तारीख को, उसकी जो थीम रही वो क्या है? नो योर स्टेटस। ठीक है, इसका जो थीम रही वो थी नो योर स्टेटस। आगे जो क्वेश्चन है वो जनवरी 2019 में किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? ठीक है, जो किम्बरले प्रोसेस जो होगा उसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो वो हमारे भारत के द्वारा की जाएगी। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया? तो वो नई दिल्ली में किया गया। इसका आंसर है नई दिल्ली। आगे है, हाल ही में किस वैश्विक नेता ने फ्रीडम ऑफ पेरिस अवार्ड वापस लेने की घोषणा की गई है? ठीक है, मतलब हाल ही में कौन से वैश्विक नेता हैं जिनसे जो फ्रीडम ऑफ पेरिस अवार्ड होता है उसको लेने की घोषणा की? तो वो की गई है आंग सान सूची।
आंगसान सूची से ये जो वैश्विक सॉरी जो फ्रीडम ऑफ पेरिस अवार्ड इन्हें दिया गया था उसको वापस लेने की घोषणा की गई है। इसी के साथ आगे जो क्वेश्चन बना है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की स्थापना कब हुई, तो उसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई, 1 दिसंबर 1965 में इसकी BSF जो है हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उसकी स्थापना की गई थी। आगे है 19 हॉर्नबिल फेस्टिवल हाल ही में किस राज्य में हुआ, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में हुआ अभी हाल ही में और वो 19th एडिशन था, मतलब 2018 में जो हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ वो कौन सा एडिशन है, 19th एडिशन है और वो कहाँ हुआ है, वो नागालैंड में आयोजित हुआ है। हाल ही में जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश का निधन हुआ, वे किस राष्ट्र के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो आपको सबको पता है ये कि वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो इसका जो उत्तर है वो है अमेरिका, अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति कौन थे, एच डब्ल्यू बुश, जॉर्ज बुश। आगे है अंतर्राष्ट्रीय CII एग्रोटेक 2018 का पार्टनर देश कौन सा है, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय CII एग्रोटेक जो हुआ 2018 के अंदर उसमें पार्टनर देश कौन सा है, वो है ग्रेट ब्रिटेन। यूरोपियन संघ ने हाल ही में कब तक जलवायु न्यूट्रल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, तो जो यूरोपियन संघ है यूनाइटेड नेशन है उसने जलवायु न्यूट्रल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2050 तक रखा है, ठीक है, जो उनका लक्ष्य है वो कब तक होना चाहिए पूरा, 2050 तक। तो दोस्तों ये थे आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से मैंने आपको क्वेश्चंस भी बताए कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या अभी करंट अफेयर्स में चल रहे हैं जिसमें से आने वाले टाइम पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको हमारे लिए कोई भी सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।